सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना कीमती टाइम दिए। आपका इस साल कोई मतलब बड़े चयन पद पे चयन हो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके ओके सर। प्रिय देकर के मेंस तक इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए इसके लिए बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर। सर जैसे कि आपने वहाँ पे जाने के बाद तो आपको क्या पूछा, जैसे मेन गेट पे आप गए तो क्या पहले बोले आप मैं अकेले सर, तो सर ने क्या बोला? हाँ मैंने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, डॉक्टर मौर्या जी का बूथ था तो उन्होंने कहा आइए आइए बहुत बढ़िया बैठिए। यस सर। तो आपके लिए कुछ कॉफ़ी चाय के लिए कुछ पूछा या पानी के लिए वहाँ पे? ना अंदर, अच्छा वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ पे था? इंटरव्यू की बात कर रहे हैं अंदर। इंटरव्यू बोर्ड में नहीं, वहाँ नहीं पूछा गया। अच्छा वहाँ नहीं। पहले जब हम लोग गए थे यहाँ पे तो पूछा गया था, बढ़िया व्यवस्था थी चाय पानी सब। अंदर पे नहीं, अंदर नहीं, बोर्ड के मेंबर के पास नहीं। तो कितने लोग थे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे? टोटल 4 मेंबर थे। यस। एक उसके चेयरमैन थे और 3 मेंबर थे। कौन सा माध्यम था? मेरा हिंदी माध्यम था। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट था ऑप्शनल? हिंदी लिटरेचर। अच्छा सर। तो आप क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ बने थे, ऑप्शनल से बने थे या फिर सिचुएशनल से? ना ऑप्शनल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, लगभग 70% क्वेश्चन जो है ऑप्शनल से ही पूछे जा रहे हैं। सर तो क्या क्वेश्चन थे सब कुछ आप रिकॉल कर पाएंगे? जैसे आप किस कवि को ज़्यादा पसंद करते हैं, रहीम जी के बारे में बताइए, इसके बाद कबीर जी के बारे में बताइए, और आपका जो है हिंदी लिटरेचर में कब से जो है, हाँ कविता कौन सी पसंद है आपको हिंदी लिटरेचर में जो है, और बस ऐसे ऐसे थे, इतना ही याद आ रहा है। बजट कोई क्वेश्चन है इकोनॉमी ना? बजट से क्वेश्चन, इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। करंट अफेयर से जो एक ऑपरेशन दोष चल रहा है, करंट अफेयर तो न्यूज़पेपर इस समय बहुत फेमस, जो ऑपरेशन दोष चल रहा है तो बहुत फेमस मतलब है जो है। आपको कौन सा अटेम्प्ट रहा है इंटरव्यू का और कौन सा? मेरा तो ये मेंस भी पहला था, इंटरव्यू भी पहला था, इसके पहले मैंने 2-3 बार प्री दिया था, लेकिन जो है वो ज़्यादा तैयारी अच्छी नहीं थी तो उसमें प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। कोई पोस्ट पे कार्यरत है या फिर अभी? जी मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में एज ए TGT हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। हाँ उससे पूछे गए कि आपका वेतन मान कौन सा है और आप क्यों इस नौकरी में आना चाहते हो, तो बहुत गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है केंद्रीय विद्यालय। तो सर आपने कहीं कोचिंग किया था या फिर? ना मैंने कोचिंग नहीं किया था, क्योंकि इसके पीछे रीजन था कि टाइम नहीं मिलता था, नौकरी में कैसे जो है कोचिंग किया जाएगा, उसमें उसमें पूरा टाइम लग जाता है। तो सर आपने टाइम को कैसे मतलब मैनेज किया? आपको जैसे कार्यरत भी थे पोस्ट पे, अपना पढ़ाई को जारी रखे रेगुलरली, आप यहाँ तक पहुँचे, तो कैसे टाइम को मैनेज किया? हाँ टाइम थोड़ा कम मिल जाता था, थोड़ा कम मिल पाता था जो है, क्योंकि उसको 3-4 घंटे ही पढ़ पाते थे डेली, थोड़ा और पढ़ते तो और बढ़िया नंबर आ जाते। अभी सर देखिए पीटी में मेन पीटी है, उनके लिए क्या नोट्स होना चाहिए, क्या क्या चीज़ कंप्लीट करें कि उनका क्वालिफाई हो जाए? जी जी नोट्स तो ज़्यादा करके जो स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं हमारी उनको बार बार रिवाइज करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे घटना चक्कर उसकी हो गई, महेश वड़वाल की हो गई, लक्ष्मीकांत की हो गई, और बिपिन चंद्रा की हो गई, स्पेक्ट्रम के हिस्ट्री हो गई, रमेश सिंह की इकोनॉमी हो गई, तो इसको खूब मतलब 2-3 बार पढ़ के और घटना चक्र के जो क्वेश्चन है उनको जो है सॉल्व करें तो हमको लगता है ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे कि देखिए लक्ष्मीकांत जो बुक है वो ज़्यादा मतलब मोटी है, तो उतना बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जो काफ़ी मोटी टाइमिंग कम है, तो कौन सी बुक को फॉलो करें, क्या दूसरे फॉलो किए थे आपके? तब ऐसा काम कर सकते हैं कि उसमें जो कुछ पोर्शन जैसे ज़्यादा आते हैं, जैसे आर्टिकल जैसे राष्ट्रपति वाले हो गए या अटॉर्नी जनरल वाले हो गए, जो क्वेश्चन देख लें मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट का हो गया, जो आर्टिकल बार बार आए हुए हैं उनको जो है ज़्यादा रिवाइज करें, बाकी स्टैंडर्ड बुक से ज़्यादा शॉर्टकट चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सर आपने कौन से बुक फॉलो किया था? मैंने तो लक्ष्मीकांत का किया था पॉलिटिक्स के लिए, और मैंने पहले ही बता दिया हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम किया था, महेश वड़वाल किया था ज्योग्राफी के लिए, और इकोनॉमिक्स तो थोड़े आते हैं इसमें जो है रमेश सिंह का थोड़ा जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है उसको किया था। और सर जैसे कि अभी स्टूडेंट काफ़ी अलग वनडे का भी एग्जाम देना चाहते हैं और सिविल भी आना चाहते हैं, तो दोनों की क्या कंप्रोमाइज करके चल सकते हैं या फिर कंबाइन करके? ना चल सकते हैं आराम से, अब तो देखते हैं कि इसमें अभी देखिए वो भी हटा दिया जो मेंस का ऑप्शनल है उसको हटा दिया, तो बाकी चीज़ें मतलब मैक्सिमम चीज़ें 80% चीज़ें तो कॉमन है, केवल उसका लेवल जो है लेवल सिविल में थोड़ा अप हो जाता है और जो वनडे एग्जाम है थोड़ा उसके जो क्वेश्चन के लेवल रहता है थोड़ा डाउन हो जाता है, बस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऑप्शनल को लेकर के आपको क्या कदम रहा? ऑप्शनल तो मेरा हिंदी साहित्य था तो मैं हिंदी पढ़ाता भी हूँ केंद्रीय विद्यालय में, और मैंने दृष्टि के कुछ बुकलेट्स मंगा के जो है क्वेश्चन सॉल्व किए तो ठीक हो गया, और स्टैंडर्ड जो हिंदी के जो बुक्स हैं सिलेबस में उसको पढ़ लिया। आपने कहीं मतलब मुक टेस्ट दिया था इंटरव्यू का कहीं पे? इंटरव्यू का मैंने कल ही जो है दृष्टि में दिया, वो भी बहुत लेट हो गया था जो है, उन लोग को भी लेट था जो है, बहुत जल्दी ख़त्म करके दिया क्योंकि कल ही मैं आया हूँ। ये कौन कौन सी बुक फॉलो करें, स्टडीज क्या रहनी चाहिए मेंस के लिए? प्री के लिए तो जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताई उनको पढ़कर घटना चक्र जो है बार बार सार करें, और करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन जो है कोई भी जो समझ में आए, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हुआ या और भी जिनको समझ में आए उसको करते रहिए, और जब एग्जाम आ जाए एक महीने पहले आप घटना चक्र वाली दृष्टि ले लीजिए, और बस इतना अगर बार बार रिविजन करेंगे तो हमको लगता है प्री हो जाएगा। मेंस के लिए सर
मेंस के लिए तो अब तो देखिए सिलेबस उसका ऑप्शनल भी हट गया है, तो उसको मेंस में दरअसल जो हम प्री में पढ़े रहते हैं फैक्चुअल नॉलेज रहता है हमको, उसी को मेंस में कितना अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं, तो लिखने की खूब प्रैक्टिस करें। दरअसल प्री करते करते काफ़ी नॉलेज हो जाता है बच्चों को, लेकिन जो है लिखते समय जो है उसको अगर लिखेंगे खूब तो बढ़िया, क्योंकि बहुत फास्ट लिखना रहता है मेंस में, वो लगता है क्वेश्चन छूट जाएंगे 3 घंटे में। हाँ, जो मतलब लिखने की नहीं किया रहेगा प्रैक्टिस, अगर याद भी है तो भी नहीं कर पाएगा। बेसिक से स्टार्ट करना चाहे सिविल में आने के लिए, PPPCS तैयारी करने के लिए, तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सी बुक फॉलो करें? कोचिंग के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जो मैंने बुक्स के नाम बताए हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ते रहें, अब तो यूट्यूब पे भी जो स्टैंडर्ड कोचिंग वाले हैं कुछ मतलब वीडियो ऐसा भेजते हैं जो है बढ़िया बढ़िया, तो पहले तो बुक्स रिवाइज कर लें थोड़ा जो है, उसके बाद कोचिंग करें। कोचिंग का भी गाइडेंस ज़रूरी है, लेकिन पहले खुद थोड़ा मेहनत कर लें उसके बाद। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना कीमती टाइम दिए, आपका इस साल कोई मतलब बड़े चयन पद पे चयन हो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ओके ओके सर।